नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इनकी जी क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए दादी नानी की बताई हुई बहुत ही जरूरी बातें। नंबर एक, यदि आपके बदन में या टांगों में दर्द रहता है तो हल्के गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, इससे दर्द में बहुत आराम मिलता है। नंबर दो, अगर अचानक से पेट दर्द होने लगे तो एक गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पी लें, इससे तुरंत ही आराम मिल जाता है। नंबर तीन, दही के ऊपर वाला पानी लीवर को साफ करता है, इसलिए दिन में एक गिलास दही का पानी जरूर पीना चाहिए। नंबर चार, अगर आपके पेट में तेजाब बनने की समस्या है तो रोजाना सुबह खजूर खाया करें, इससे बहुत फायदा मिलता है। नंबर पाँच, पुदीने की चटनी का सेवन करने से थकावट कम होती है। नंबर छः, पनीर खाने से हमारी याददाश्त तो तेज होती ही है और पनीर में पाया जाने वाला विटामिन बी मेमोरी को भी बढ़ाता है। नंबर सात, यदि आपको थकावट जल्दी होने लगती है तो आप गुड़ का सेवन करें, यह आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। नंबर आठ, कोई भी खट्टी चीज खाने के बाद पानी पीने से पेट में सूजन आने की समस्या हो सकती है। नंबर नौ, यदि आप रात के समय उबले हुए आलू का सेवन करते हैं तो इससे बवासीर की समस्या हो सकती है। नंबर दस, दो चम्मच पुदीने के रस में थोड़ा सा नींबू का रस और चुटकी भर काला नमक मिलाकर एक हफ्ते तक सेवन करने से लीवर पूरी तरह से साफ हो जाता है। नंबर ग्यारह, रुक कर बोलने वाले या हकलाने वाले व्यक्ति को जीभ के नीचे तेजपत्ता रख कर चूसना चाहिए, इससे हकलाना और तुतलाना दूर होता है। नंबर बारह, सौंफ और मिश्री खाने से आपका वजन कम होता है, साथ ही यह दिल की बीमारियों से भी बचाता है। नंबर तेरह, रिसर्च में पाया गया है कि तेज बुखार होने पर हींग का सेवन करने से बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। नंबर चौदह, गर्भावस्था में सेब खाने से बच्चे को अस्थमा की बीमारी से बचाया जा सकता है। नंबर पंद्रह, खांसी से छुटकारा पाने के लिए पुदीने की चाय में नमक डालकर पिएं, इससे पुरानी से पुरानी खांसी में आराम मिलता है। नंबर सोलह, एक चम्मच दही में चुटकी भर कॉफ़ी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से भी चेहरे का रंग साफ होता है। नंबर सत्रह, कच्चे दूध में चीनी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे पर चमक आती है और रंग साफ होता है, और यह एक नेचुरल मॉइस्चराइजर भी है। नंबर अठारह, पत्ता गोभी में दूध के बराबर कैल्शियम होता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, इस कारण जिन लोगों को दूध पीना पसंद नहीं है यह उनके लिए अच्छा विकल्प है। नंबर 19, रोजाना शाम को किशमिश के सेवन से शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 20, दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 21, यदि आपके दांतों पर पीलापन है तो इसके लिए आम के पत्तों को दांतों से चबाकर फिर दांतों पर मल लें, इससे दांतों का पीलापन खत्म हो जाता है। नंबर 22, अगर अचानक से आपको ठंड लगने का एहसास होने लगे तो आप हल्का गुनगुना पानी पी लें, इससे बहुत आराम मिलता है। नंबर 23, सुबह देर से उठने वाले इंसान के दिमाग की नसें कमज़ोर होती हैं और शरीर भी आलस में रहता है। नंबर 24, खाना खाने के बाद शरीर में खून का बहाव कम हो जाता है जिसकी वजह से नींद आने लगती है, इसलिए दोपहर में खाना खाकर थोड़ी देर आराम करना चाहिए। नंबर 25, बाईं तरफ करवट लेकर सोने की आदत डालें, इससे दिल की बीमारी नहीं होती है। नंबर 26, मखाना कैल्शियम से भरपूर होता है, इसके सेवन से आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं और जोड़ों में चिकनाहट बनी रहती है जिससे जोड़ों का दर्द भी नहीं होता है, और मखाना पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। नंबर 27, गोलगप्पे खाने में जितने स्वादिष्ट लगते हैं उतने ही फायदे भी हैं, इसके सेवन से
ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और गैस की समस्या से छुटकारा मिलता है और मुंह में छाले होने की समस्या में भी आराम मिलता है। नंबर 28, सुबह उठकर मुंह में पानी भर के आँखों पर पानी के छींटे मारने चाहिए, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 29, नाखूनों पर नारियल के तेल की मालिश करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 30, जो औरतें रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में एक चम्मच शहद मिलाकर पीती हैं तो इनकी स्किन कभी भी रूखी नहीं होगी, साथ ही चमकदार और स्वस्थ रहती है। नंबर 31, चीनी, शहद और नारियल का तेल मिलाकर रात के समय होठों पर लगाने से होंठ गुलाबी होने लगते हैं। नंबर 32, केले के छिलके को चेहरे पर रगड़ने से स्किन ग्लो करती है और आंखों के नीचे की सूजन को भी कम करती है। नंबर 33, जो औरतें रात को एक गिलास पानी में 2 चम्मच मेथी दाना भिगोकर सुबह खाली पेट इसके पानी का सेवन करती हैं तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 34, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो सुबह खाली पेट करेले का जूस पिएं। नंबर 35, रोजाना दोपहर और रात के खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से पाचन क्रिया बेहतर रहती है और गैस की समस्या भी नहीं होती है। नंबर 36, ज़्यादा चाय पीने की आदत हड्डियों को कमज़ोर बना देती है, चाय का सेवन कम से कम करें, इसकी जगह आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और यह वजन कम करने में भी मदद करती है। आप दिन में 2 कप ग्रीन टी पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन टी का सेवन भी नुकसानदायक होता है। नंबर 37, सुबह का नाश्ता न करने वालों का दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, ऐसा लगातार करने से दिमाग की कार्य क्षमता घट जाती है, इसलिए सुबह का नाश्ता जरूर करें। नंबर 38, जी घबराने या सीने में जलन को दूर करने के लिए एक नींबू की सिकंजी बनाकर घूट घूट करके पिए, इससे जल्दी ही आराम मिल जाता है। नंबर 39, रात की बची हुई रोटी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और बासी रोटी को दूध के साथ खाने से अपच, गैस, एसिडिटी और पेट दर्द की समस्या में आराम मिलता है। नंबर 40, बैठकर झाड़ू पोछा करने से पाचन क्रिया मजबूत रहती है और वजन कम करने में भी मदद मिलती है। नंबर 41, चने की दाल के पानी से मुंह धोने से चेहरे का रंग साफ होता है। नंबर 42, यदि आपको भी जल्दी सांस फूलने की समस्या है तो इसके लिए भुने हुए चुकंदर पर नमक लगाकर खाएं, इससे सांस फूलने की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।